प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान देकर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट ला दी है। मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि वे कल भी सीएम बनना चाहते थे और आज भी सीएम बनना चाहते हैं। उन्होंने आगे पूछा, मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहूंगा? मुझे लगता है कि मुझ में सीमित ही सही लेकिन क्षमताएं हैं। मुझे लगता है कि मैं लोगों के संपर्क में हूं और मुझे ये भी लगता है कि मैं भी छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सकता हूं। तो अगर मौका मिलता है तो मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री तो मैं आज भी बनना चाहता हूँ, पहले भी बनना चाहता था। मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहूंगा? मुझे लगता है कि मुझ में कुछ सीमित है लेकिन कुछ क्षमताएं हैं। मुझे लगता है कि मैं लोगों के संपर्क में हूँ। मुझे लगता है कि मैं भी छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सकता हूँ। तो अगर मौका मिलता मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहता। लेकिन ये जो बात है ये पार्टी के दायरे के अंदर की बात है। मैंने बताया कि हम लोग जब चुनाव लड़े थे तो कोई मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा, मंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा जब तक मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। मुझे विधायक की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा जब तक कांग्रेस पार्टी में हूँ। मुझे पीसीसी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा। मुझे जिला कांग्रेस की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा जब तक कांग्रेस पार्टी में हूँ। हाईकमांड जो कहेगा मैं करूँगा।